लड़ ले चुनाव नहीं लड़ ले, लड़ ले चुनाव, इंडिपेंडेंट लड़ ले, सहयोग करोगे तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। भाइयों देखो मेरे एक बात सुन लो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में टिकट थमा दी जिसने 5 साल में कोई 5 काम भी वो गढ़वा नहीं सकता, जब जनता उससे हिसाब मांगेगी ये क्या कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस इनसे जो हिसाब मांग रही है ना, और ये उल्टा कांग्रेस से मांग रहे थे, अब जनता जो है वो यहाँ के विधायक से हिसाब मांगेगी कि तूने 5 साल में क्या काम किया। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनका एक अहम रोल था इन टिकटों में बांटने में, तो उन्होंने जिस प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों को दरकिनार करने का काम किया, केवल सिर्फ जो दंडवत प्रणाम करने वाले लोग हैं उनको एडजस्ट करने का काम किया, तो ये तो सारे जग जाहिर है, सारा प्रदेश कह रहा है, पूरा हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं। और जिस प्रकार का हाल आने वाले चुनाव में जो है ना इन वजह से होगा, तो ये भी सारा खमियाजा, ये सारा का सारा श्री राजा ने एक ही आदमी के सिर पर बंधा। जो भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद है वो कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। करणदेव कांबज जिंदाबाद, करणदेव कांबज जिंदाबाद। नॉमिनेशन हम करना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप सब लोग मंत्री जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंत्री जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट, अभी जो है ना चुनाव, हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों को वितरण किया है इन दोनों सीटों पर, चाहे वो इंद्री विधानसभा है चाहे वो रादौर विधानसभा है, यानी कि दोनों विधानसभाओं पर जितना विरोध है, अंतरकला है कि लोग जो है ना दोनों उम्मीदवारों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जनता तो कर ही नहीं रही, कर रही, लेकिन साथ में कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे, कार्यकर्ता सिर्फ उपरले मन से लगे हुए हैं। और आप देखना कि चुनाव के एंड तक जो है ना क्या होने वाला है। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरवा दी, जानबूझ करके हरवा दी, और जिस प्रकार से षड्यंत्र करके एक अच्छे काम करने वाले लोगों का, चाहे वो स्थानीय हमारे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे दूसरे लोग हों, जैसे रदौर के अंदर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देनी थी, किसी राजपूत समाज को टिकट देनी थी, तो हमारे पास राजपूत समाज के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारे पास थे। इंद्री में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो वर्षों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको टिकट दी होती तो शायद हमें लगता कि वाकई में जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है जो नए चेहरों के ऊपर जो है ना दांव लगाना चाहती है, और नए चेहरे सामने आएंगे तो उनसे जो है ना पार्टी का फायदा होगा, हम भी तन मन धन से सहयोग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में टिकट थमा दी जिसने 5 साल में कोई 5 काम भी वो गढ़वा नहीं सकता, जब जनता उससे हिसाब मांगेगी ये क्या कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस इनसे जो हिसाब मांग रही है ना, और ये उल्टा कांग्रेस से मांग रहे थे, अब जनता जो है वो यहाँ के विधायक से हिसाब मांगेगी कि तूने 5 साल में क्या काम किया। उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इस प्रकार का विधायक, इस प्रकार का कैंडिडेट उम्मीदवार यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, तो आज हमारे समर्थकों की बार बार मेरे ऊपर भी दबाव था कि आप चुनाव लड़ो, तो मैंने सभी कार्यकर्ताओं को आज यहाँ जो मेरे समर्थक हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आपने देखा कि इस हाल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, कितनी बड़ी संख्या में जो है ना कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, और हमने एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी आज ही जो है पंचायत करेगी, अपनी जो है ना मीटिंग करेगी, और शाम तक या कल तक जो भी उनका फैसला होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना 2 दिन है, 2 दिन के अंदर नॉमिनेशन करने के 2 दिन है, 12 तारीख लास्ट है, और 12 से पहले पहले मतलब 11 की शाम तक जो भी ये कमेटी हमें आदेश देगी तो हम उसी प्रकार का कदम आगे उठाएंगे और नॉमिनेशन करेंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे ताकि हम जाने सीट को जीत सकें। इंद्री से चुनाव लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने का इरादा है, चुनाव के लिए हमने तैयारी की हुई है, सब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, लेकिन हमने फिर भी एक कमेटी बनाई कि वो ठंडे दिमाग से बैठ करके सोच लें कि हमने किस प्रकार से चुनाव, हमने सारी कैलकुलेशन वो कर लें, उसी के बाद हम जो है फैसला। देखिए उन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं उनसे मिल करके आया, उन्होंने मेरे से जो जो बातें पूछी मैंने उनको बताई, और उसके बाद तो उनकी पार्टी की बात है, वो क्या डिसीजन लेते हैं
वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, जो भी वो फैसला लेंगे तो सोच समझ कर ही लेंगे। देखिए जहाँ जब भारतीय जनता पार्टी में कोई अब मान सम्मान ही नहीं रहा, तो अगर इस प्रकार की कोई ऑफर वहाँ से आएगी तो उस पर भी विचार करेंगे। देखिए जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो टिकटें बांटी गई हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनका एक अहम रोल था इन टिकटों में बांटने में, तो उन्होंने जिस प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों को दरकिनार करने का काम किया, केवल सिर्फ जो दंडवत प्रणाम करने वाले लोग हैं उनको एडजस्ट करने का काम किया, तो ये तो सारे जग जाहिर है, सारा प्रदेश कह रहा है, पूरा हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं। और जिस प्रकार का हाल आने वाले चुनाव में जो है ना इन वजह से होगा, तो ये भी सारा खमियाजा, ये सारा का सारा श्री राजा ने एक ही आदमी के सिर पर बंधा है जी। सीएम सैनी उनको हजम नहीं हो रहे, देखो तो वो जानते हैं उनको हजम हो रही नहीं हो रही। कंबोज जी आप कह रहे थे स्टेज पे कि मिलने का टाइम ही नहीं देते थे। नहीं बिल्कुल, कार्यकर्ता उसे कभी मिलते ही नहीं थे, कार्यकर्ता हमारे से भी नहीं, कई बार जाना हमने भी बड़े धक्के से मिलना पड़ता था, हमें से भी, हमें भी टाइम नहीं देते थे मिलने।